Hello students, welcome to online class. I am Aparna Pandey, your science teacher. Today we discuss rest part of our chapter 1, uses of science. Science has made tremendous contribution toward the betterment of humankind. Let us learn about some of the way in which science has helped us. आज हम पढ़ेंगे साइंस का ट्रिमेंडस कंट्रीब्यूशन किसके लिए, ह्यूमन काइंड के बेटरमेंट के लिए। चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि साइंस ने किस तरह से ह्यूमन काइंड की हेल्प की है। हेल्थ एंड लॉन्गेविटीज। डेवलपमेंट्स इन बायोलॉजिकल साइंस हैव मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू लिव अ लॉन्गर एंड हेल्थियर लाइफ। बायोलॉजिकल साइंस के डेवलपमेंट ने ये पॉसिबल किया है कि हम लोग हेल्दियर और लॉन्गर लाइफ अचीव कर सके। वी नाउ हैव, आज हमारे पास क्या है, बेटर मेथड ऑफ डायग्नोजिंग डिजीज। आज हमारे पास एक अच्छा मेथड है जिससे हम डिजीज को डायग्नोसिस कर सकते हैं, सच एज ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, रेडियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड स्कैन्स, सीएटी स्कैन्स, एमआरआई एंड सो ऑन। बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जिसके थ्रू हम होने वाले डिजीज को डायग्नोसिस करवा सकते हैं। मेडिसिन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ डिजीजेस एंड एंटीबायोटिक्स फॉर क्यूरिंग डिजीज। आज हमारे पास अच्छे से अच्छी मेडिसिन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, रोगों से अपने आप को बचा सकते हैं और होने वाले भयानक डिजीज से खुद को रिकवर कर सकते हैं। न्यू मेथड सच एज द यूज ऑफ रेडिएशन टू क्योर कैंसर एंड द यूज ऑफ लेजर फॉर ब्लडनेस सर्जरी। और साथ में ही हमारे पास नए मेथड है जिसके थ्रू रेडिएशन से हम कैंसर जैसी भयानक बीमारी से भी बच सकते हैं। बेटर सैनिटेशन एंड मोर हाइजेनिक कंडीशन, जिससे आज हमारे पास सैनिटेशन, साफ सफाई और हाइजीन वाली कंडीशन मौजूद है। अबंडेंट फूड सप्लाई, ड्यू टू हमारे पास बहुत ज्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में फूड सप्लाई है। कैसे, हमारे पास इम्प्रूव्ड वैरायटी के इक्विपमेंट्स है जो, और हमारे पास अच्छे से अच्छा फार्मिंग का मेथड है जिससे क्या होता है, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स ड्यू टू द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड्स, जिसके थ्रू अच्छा क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। और साथ में हमारे पास अच्छे से अच्छा फर्टिलाइजर है और इंसेक्टिसाइड है। फर्टिलाइजर उर्वरक होते हैं जो मिट्टी में डाला जाता है और उसके थ्रू जो हमारी क्रॉप होती है वो अच्छे से ग्रो करती है। इंसेक्टिसाइड जो पेट्स वगैरह लग जाते हैं जब क्रॉप ग्रो करती है उस टाइम, तो इसका स्प्रे किया जाता है। हाई यील्डिंग फर्टिलिटीज ऑफ क्रॉप एंड लाइफ हुड्स और इम्प्रूव्ड फैसिलिटी फॉर डीप सी फिशिंग, प्रॉन कल्चर एंड सो ऑन। साथ में हमारे पास इम्प्रूव्ड फैसिलिटी है किस चीज की, सी में रहने वाले एनिमल्स की, जैसे फिश, प्रॉन कल्चर एंड सो ऑन। इम्प्रूव्ड फैसिलिटी फॉर द कैनिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क प्रोडक्ट्स, बेबी फूड, पिकल्स, जैम, बेवरेजेस एंड सो ऑन। कुछ इम्प्रूव्ड फैसिलिटी है जो फूड को प्रिजर्व करती है, जैसे आप खाते हो पिकल्स एंड जैम्स। ट्रांसपोर्ट, आवर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैड बिकम बेटर विद फास्टर एंड मोर इफिशियंट ऑटोमोबाइल्स, रेलवे, शिप एंड एरोप्लेन। दीज हैव मेड द वर्ल्ड सीम अ स्मॉलर प्लेस बाय रिड्यूसिंग द टाइम टेकन टू ट्रेवल बिटवीन देम। हम ट्रेवल करते हैं रेलवेज इट मीन्स ट्रेन से, शिप से और एरोप्लेन से। ये क्या करती हैं, वर्ल्ड को बहुत ही रिड्यूस कर दी है साइज में, जिसके थ्रू हम कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड सैटेलाइट हैव ब्रॉट अबाउट अ रेवोल्यूशन इन कम्युनिकेशन। द इंटरनेट, ईमेल एंड मोबाइल टेलीफोन्स आर रीसेंट इन्वेंशंस दैट हैव मेड कम्युनिकेशन एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फास्टर एंड बेटर। इट इज नाउ इजियर टू कनेक्ट पीपल हु लिव इन अवे फॉर अस इन अ मैटर ऑफ मिनट। फोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हम लोगों से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और वो भी बहुत इजीली वे से। क्लोथिंग, सिंथेटिक मटेरियल्स सच एज नायलॉन एंड पॉलिएस्टर फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन द 20th सेंचुरी आर यूज्ड टू मेक अ वाइड रेंज ऑफ क्लोथ दैट आर इजी टू वॉश एंड हैंडल। 20th सेंचुरी में सिंथेटिक मटेरियल के
जो है आपके सिंथेटिक मटेरियल क्या है, नायलॉन और पॉलिस्टर, इनका प्रोडक्शन हुआ था। उसके बाद हमारे पास वाइड रेंज के क्लोथ्स बनने लगे जो बहुत इजीली वॉश हो जाते हैं और उन्हें हैंडल किया जा सकता है। इम्प्रूव्ड ब्लीचिंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग टेक्निक्स हैव हेल्ड इन फर्दर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स। और साथ में हमारे पास इस समय इम्प्रूव्ड वेराइटी की टेक्निक्स हैं, जैसे ब्लीच और डाई की एप्लीकेशन एंड गैजेट्स, फूड मिक्सर, ग्राइंडर, टोस्टर, आयरन, फैन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर एंड अदर सच गैजेट्स हैव मेड आवर लाइफ मच मोर कम्फर्टेबल। आज हमारे घर में ग्राइंडर है, मिक्सर है, टोस्टर है, वॉशिंग मशीन है, जिसके थ्रू हम बहुत सारे काम को कम समय में, कम और एक इजिली वे में कर सकते हैं। वी यूज एयर कंडीशन एंड एयर कूलर ड्यूरिंग टू हॉट वेदर। और हम गर्मियों में क्या यूज करते हैं, एयर कंडीशन और एयर कूलर्स को। हीटर एंड रेडिएटर्स कीप अस वार्म इन कोल्ड वेदर। और ठंडियों में हम क्या करते हैं, घर में ब्लोअर और हीटर का यूज करते हैं। सीसीटीवी कैमरास आर यूज टू कीप अस आवर होम एंड ऑफिस सेफ। घरों में और ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा होता है, उससे हम क्या करते हैं, अपने ऑफिस को और अपने घर को सेफ रखते हैं। रिक्रिएशन, रिक्रिएशन इज एंटरटेनमेंट। टुडे वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज टू चूज फ्रॉम, मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज, टीवी एंड बेटर क्वालिटीज पिक्चर एंड साउंड। आज के समय में हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं, मूवीज देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, और वो भी अच्छी से अच्छी पिक्चर क्वालिटी और साउंड के साथ। म्यूजिक सिस्टम यूजिंग सीडीज एंड डीवीडीज गिव क्रिस्टल क्लियर साउंड। वीडियो गेम्स आर अवेलेबल दैट बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट कैन एंजॉय प्लेइंग एट एनी टाइम। साथ में हमारे पास वीडियो गेम्स भी अवेलेबल हैं जो बड़े भी खेलते हैं और साथ में बच्चे भी। वी कैन ऑल्सो प्ले इंटरैक्टिव गेम ऑन अवर स्मार्टफोन। द क्वालिटी ऑफ स्पोर्ट्स गुड हैज इम्प्रूव्ड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर मटेरियल। एनर्जी, मोस्ट ऑफ द गैजेट वी यूज नीड इलेक्ट्रिसिटी टू फंक्शन, सो वी हैव फाउंड वे टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डिफरेंट सोर्स यूजिंग सोलर एनर्जी फ्रॉम जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। सच एज इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ रिसर्च टूडे एज सप्लाइंग ऑफ कोल एंड पेट्रोल आर नॉट एक्सपेक्टेड एट वेरी वेरी लॉन्ग, सो वी गेट एनर्जी फ्रॉम रनिंग वाटर, विंड, हॉट स्प्रिंग एंड इवन द टाइड्स इन द ओशन। एनर्जी, एनर्जी हमें कैसे मिलती है, कोल एंड पेट्रोल से। लेकिन ये कोल और पेट्रोल क्या है, ऐसे रिसोर्सेस हैं जो कुछ समय के बाद खत्म हो जाएंगे। तो हमें हमें क्या करना है, हमें एनर्जी गेट करनी है किसके थ्रू, रनिंग वाटर, विंड, हॉट स्प्रिंग एंड इवन द टाइड्स ऑफ द ओशन, और ज्वार भाटा जो ओशंस में आते हैं उसके थ्रू। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ गुड डे। वी डिस्कस misuses of science in our next video. Thank you. Have a good day.